अभी ये छोटा सा चलने वाला रास्ता भाई, उससे मैंने गिर गया और चप्पल देखो टूट गई। ठीक है पकड़ भी उठा फेंक दे। हेलो गुरु, क्या हाल है? मार रो मजे गुरु। तो गुरु आज की वीडियो यार तुम्हें तो पता ही है, अभी विलेज का वीडियो बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त आने वाला है, क्योंकि अभी मैं जाने वाला हूँ मखान का खेत, क्योंकि मखान के खेत में ना अभी मशीन चल रहा है, पानी के लिए मशीन चल रहा है, तो वहीं चलेंगे। अभी भैया चला के आए और मुझे बोले हैं ठीक है जाके वहाँ मशीन वशीन देख लेना, मशीन में कुछ दिक्कत उक्कत तो ना आ रही या बंद तो ना हो रही, और मतलब अभी ये भी उधर से खड़ मिली है मखान के पौधे में जो फल होता है उसे किसी ने तोड़ रहा है, तो वहीं चलना है अभी। तो तुम्हें तो पता ही है अभी यहाँ से जाएंगे साइकिल से, साइकिल ब्लॉक करते हुए फिर जाएंगे यार, क्योंकि पैदल बस बगल में ही है, फिर भी पैदल नहीं जाएंगे और साइकिल से जाएंगे, क्योंकि साइकिल का मज़ा ही कुछ और है यार लोकल में साइकिल चलाने में। तो चलो यार हमारे साथ बने रहो, इन्जॉय करो यार। अच्छा तो ये अपनी साइकिल खड़ी है, अब साइकिल से ही चलेंगे। तो साइकिल तो घर से निकाल दिया, अब जा रहे हैं मखान का खेत। हो सके यार कोई मखान वखान तो रहा होगा तो उसे मना भी करना है, क्योंकि अगर नहीं मना करा तो सारा का सारा मखान का फल तोड़ लेगा और हमारी मेहनत ना पानी में फिर जाएगी, क्योंकि अभी 2-3 महीना से ना बहुत ज़्यादा मेहनत हो रहा है मखान की खेती। जो मखान वखान कर रहा उसे तो पता है कितना मेहनत लगता है, तो जो भी मखान का फल तोड़ रहा था उसे मना कर दिया गया, जो उसमें मत काटो भाई मखान का फल। ये भाई बहुत मेहनत लगा यार मखान के फल में, मखान के फल में मेहनत बहुत लगा, और उसे जो कोई तोड़ लेगा यार तो गुस्सा तो आएगा ही भाई। मैं तो यही कहता हूँ अगर किसी को मैंने देख लिया ना भाई उसका क्या हाल होगा वो उसे ही पता होगा पकड़ने के बाद, क्योंकि भाई बहुत मेहनत है यार मखान में, और ऐसे जो कोई फल तोड़ लेगा तो यूँ समझ ले यार गुस्सा तो आएगा ही ना। और तुम्हें लग रहा होगा या मैं गुस्सा दिखाऊँ, भाई गुस्सा तो बिल्कुल यार कोई भी कुछ भी कर रहा ना अगर उसे कोई नुकसान पहुंचा रहा है भाई गुस्सा तो आएगा ही यार, क्योंकि ये यूँ समझ ले तुमने 3 महीना उसमें मेहनत करा ज़ोरदार, अब जब फल देने का बारी आया तो किसी ने तोड़ रहा है, तो गुस्सा भाई लाजमी है यार गुस्सा आना। शेक बहुत हो रहा होगा फ़ोन, क्योंकि साइकिल पे ना जर्क लगता बहुत, और जर्क लगने के बाद मतलब वो ये ना फ़ोन शेक होता बहुत। तो कोई नहीं यार जैसे भी हो एडजस्ट कर लेना। तो मखान के खेत तो आगे हैं, वहीं पे कोई तोड़ रहा था, ये अपना ही मखान के खेत है ये जो दिख रहा है, वहीं पे कोई तोड़ रहा और सामने मशीन चल रही है वो आगे, मशीन के पास भी जाएंगे पहले यहाँ देख लेते कौन मखान तोड़ रहा था। तो हमने साइकिल को पार्क यहाँ पे कर दी, अब मशीन चल रहा बिल्कुल वो वहाँ वो जो पैर वर के बहुत बाद, तो वहाँ पे मशीन चल रहा है तो वहाँ जाएंगे अब। अभी पहले यहीं ये और साइकिल को यहीं धूप में ही खड़ा कर देना, पंचर हो या कुछ भी हो होन दो और फिर बाद में देख ही लेंगे, क्योंकि मतलब वो अंदर लेके जा भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे छोटा छोटा जाने का रास्ता है, बस दोनों तरफ से मखाना है फिर उसके बाद, और ये थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा रास्ता है और ज़्यादा बड़ा रास्ता भी नहीं है जो साइकिल लेके जाए। ये देख लो ये सारा बहुत दूर तक मखान का ये खेती हो रही है यहाँ पे, और ये देख लो मखान का पहले रुक जाओ मखान। अबे यार इधर से अंधेरा आ रहा है, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ही मखान का खेती हो रहा है, और जो बिहार से बिलोंग कर रहा है उसे पता ही होगा भाई बिहार में मखान का खेती बहुत ज़्यादा ही मात्रा में होता है, क्योंकि बिहार में ना पानी बहुत ज़्यादा ही आ जाता है ना कभी कभी, अभी तो फ़िलहाल ये सूखा हुआ है और कुछ ऐसा टाइम आता है जो इसमें जो ना पानी पूरा यूज़ समझ ले अगर कोई छोटा बच्चा आए तो वो डूब जाएगा, यहाँ पे इतना पानी आया हुआ था और ये सब पूरा डूब जाता है। अभी मखान खेत में ना पानी डालने की ज़रूरत होती है और बाद में कुछ टाइम के बाद, अभी कुछ ही टाइम के बाद यूँ समझ ले 1-2 महीने के बाद ना यहाँ पर बहुत सारा पानी आया था, और ये मतलब वो जहाँ पे मैंने साइकिल लगाया ना वहाँ से इधर आने के लिए मैं भाई सब सोचता भाई उधर कैसे जाए क्योंकि पानी बहुत है,
और अभी तो फिलहाल इतना सूखा है भाई, इसमें जो है ना पानी मशीन से पानी डालना पड़ता है, मशीन से पानी डालो भाई, पानी डाल डाल के भाई परेशान हो गया मैं यूँ समझ, क्योंकि वो तो अपनी मशीन है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बस तेल लाया तेल डाला फिर उसके बाद चलाया। और जो मतलब किराए पे जो भाई लाता है ना मशीन, जैसे कि घंटे के हिसाब से उसका होता है भाई, उसे बहुत परेशानी होती है, क्योंकि यूँ समझ ले अगर इसमें ना 10 घंटा पानी चलेगा, 10 घंटे का तो 1000 रुपये ऐसे हो गया, मतलब सो यहाँ 120-130 रुपये घंटा चलता है, और यूँ समझ ले 1200-1300 रुपये का, मतलब दो तीन दिन के अंदर में ना 1200-1300 रुपये का ये पानी लग जाता है। और ऐसे में तीन महीना तक जो ना 2-3 दिन के बाद जो ना पानी डालना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ये सूख जाएगा, सूखेगा तो फिर ये मखान होगा नहीं, और मखान नहीं होगा तो मतलब तुमने मेहनत कर लिया कितना भी नहीं, इसमें तो मेहनत करे होगा ही तुम, और मेहनत करो और फिर पानी के चक्कर में वो मतलब वो सूख जाए तो फिर क्या फ़ायदा यार ऐसे मेहनत का। तो इसीलिए जो है ना, इसीलिए मैंने खुद का मशीन खरीद लिया, क्योंकि मशीन नहीं खरीदती तो भाई बहुत, अभी तो वैसे बहुत इसमें लागत लग रहा है, क्योंकि खाद है, ये है, वो है, बहुत ज़्यादा है इसमें, और उसमें मशीन की वजह से जो ना अगर वो सूख जाए या कुछ हो जाए तो फिर उसमें तो टेंशन होगा ही ना। तो यहाँ पे अपनी मशीन चल रही है, यहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा, मतलब मशीन का बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगा, हमारा आवाज़ आए ना आए फिर भी यार, ये देखो यहाँ पे मशीन चल रही है, अभी भैया चला के गए और भैया फ़ोन करे भाई जाके मशीन देख लिए, भाई तेल भी ख़त्म हो रही है भाई, और ये भी अभी मकान में ही चल रहा पानी, ये देख लो ये आपके द्वारा हम आगे मकान में ही पानी जा रहे थे, मकान में पूरा पानी दिखा दो कैसे जा रहा पानी, ये देख लो पानी कैसे जा रहा है इसे इधर से। अभी ये छोटा सा चलने वाला रास्ता भाई, उससे मैंने गिर गया और चप्पल देखो टूट गई, चप्पल टूटा तो नहीं है लेकिन फिर भी ये निकल गया, ये देखो। तो अब कोई लकड़ी मिलेगी जब भी कुछ हो पाएगा, नहीं तो ऐसा ही चलना पड़ेगा, देख लो कैसे चल पा रहा हूँ। ये देखो यहाँ इस खेत में पानी आ रही है, ये भी देखो मखान का ही खेत, मखान का ही खेत में पानी डाल लो अभी, और कुछ ही देर मखान में पानी चलेगा फिर उसके बाद जो है ना, क्योंकि तेल होने वाला है ख़त्म और ज़्यादा तेल लाया नहीं जो, ये देख रहे हो मखान का खेती भाई, ये बिल्कुल ही सूखा सूखा था लेकिन वो सुबह से ही, हाँ एक घंटा से पानी इसमें चल रहा, चलो मशीन के पास ही चलते क्योंकि हो सके यार एयर वेयर ना ले ले, क्योंकि पानी बिल्कुल ही ख़त्म, सॉरी तेल बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला, और तेल ख़त्म हो गया एयर ले लिया तो भाई बहुत दिक्कत करता है मशीन स्टार्ट होने में। अभी तो यूँ समझ लिया एक दो हैंडल में ना स्टार्ट हो जाती है फिर मशीन, और अगर तेल में एयर वेयर ले लिया तो फिर भाई बहुत ही टेंशन हो जाता है और जल्दी स्टार्ट भी नहीं होती है मशीन। तो कोई नहीं है, एंजॉय करो ब्लॉक से। तो गुरु एक घंटा में ना पानी कुछ नहीं हुआ था, तो जिनका खेत था, अब देखो यार वो ये मशीन ना भी किराए पे चलता दूसरे के खेत में, तो एक घंटा हो गया, मैं वो बंद कर दिया मशीन को, बोला भाई एक घंटा में नहीं हुआ, एक कम से कम डेढ़ घंटा और चलने दो, क्योंकि जब पानी हो जाएगी ना फिर उसके बाद मैं खुद ही बंद करवा दूंगा तुझसे। बोला ठीक है, मैंने बंद कर दिया था, फिर भैया को कॉल करा, भैया फिर तेल लेके आए, क्योंकि तेल तो एक घंटे का ही लाए थे भैया, भैया को पता था जो हो सके एक ही घंटा लेंगे पानी, फिर उसके बाद जो है ना बंद हो जाएगी मशीन। तो भैया को फ़ोन करा, भैया फिर तेल लेके आए, तेल लेने के बाद मतलब वो मशीन में डाला, फिर मशीन स्टार्ट करके फिर अभी फिर चालू कर दिया, अब जितना ले जितना घंटा ले पानी देने के लिए तैयार है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नाश्ता वास्ता करके नहीं आया, बस ऐसे ही आया था क्योंकि मकान वखान को बच्चे उच्चे तोड़ रहे थे ना, इसी वजह से मैं जल्दी आ गया, नहीं तो अभी रुक गया था, क्योंकि यार देखभाल भी तो करना ज़रूरी है। तो अभी जा रहे फ़िलहाल घर जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, नाश्ता वास्ता करके आएंगे फिर उसके बाद फिर यहीं रहेंगे, मतलब ठंड में बैठे रहेंगे, यार हिफाजत तो करना बहुत ज़रूरी है। और ये देखो पान कितना पानी बढ़िया लग रहा है, ये नदी है भाई, मतलब इसमें ना बच्चे उच्चे बहुत नहाते, अभी तो फ़िलहाल नहीं नहाते क्योंकि अभी कम पानी है और जहाँ पे ज़्यादा पानी है वहाँ पे नहाते। तो पहले घर जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए क्योंकि भूख लगा हुआ है बहुत तेज, और अभी बच गया 10। मैं नाश्ता अभी तक नहीं खाया, बस थोड़ा बहुत खाया था, केला वाला खाया था क्योंकि आज जिम वम बंद था ना, इसी वजह से बस जो भी था नाश्ता वास्ता करने का वो कर लिया, लेकिन अभी जो हमारा जो प्रॉपर नाश्ता वो नहीं करा।
तो अभी जाएंगे नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद फिर यहाँ आएंगे, तो घर चल लें यार। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो से एंजॉय कर लिया तुमने, तो एंजॉय कर लियो तो यार शेयर कर दो दोस्तों के पास भी।